बड़ी वाइड और अंपायर के जाने से वाइड बॉल का इशारा और बैटिंग साइड से गुजारिश के एक प्लेयर अपना भेज दे प्लीज आपसे गुजारिश बैटिंग साइड से गुजारिश कि अपना एक प्लेयर भेज दे भाई बैटिंग साइड आपने दोनों में एक डाल दिया और एक रन पर महदूद है। काफी अच्छी गेंदबाजी भी जारी, इस तरह से नहीं जीत पाएगी शहीन शनवारी की टीम, छक्के और चौकों से जीतना होगा। बैटिंग साइड से गुजारिश है एक बल्ला भेज दे अपना, ये दो बोले करें दो रन करें, दो बोले दो रन यहाँ से वापस जाए, दो बोले दो रन, हाँ दो बोले यार, दो रन सिंगल सिंगल बने, हाँ तीन बोले दो रन, तीन बोले दो रन हो चुके हैं जी। एक एक यार पाजी उससे चला जाए यार, एक कोशिश करना सुनो का यार, बंदा भेज क्या करना है, बंदा भेज दे अपना यार, वाकी टॉकी से पूछ लेना, बैट्समैनों के नाम पूछ लेना, बता दो ये मुझे तो और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जारी। और अगर बात की जाए अभी तक अता प्रिंस जो है वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर सके जिस तरह के वो बैट्समैन है, दो रन का इजाफा, लेग बाई है ना, लेग बाई की सूरत में दो रन का इजाफा, तो बढ़ता हुआ स्कोर चार। उधर क्या नाम है अच्छा प्रिंस लिया कौन है, तो यहाँ पर कवर की तरफ से खेले छह रन के लिए, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर जारी और ऐसे की टीम ने बहुत ही बड़ा टारगेट जरूर सजाया, लेकिन अगर बात की जाए उनके पास भी केड़ा बढ़ रहेगा। और फुल टॉस बॉल और उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके जिस तरह कि बैटिंग की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि 16 हेलो हेलो हेलो, तो भाई ये चप्पल वाला भाई हटा दो, हेलो भाई रोक दो, मैं
पारिस है बॉलर और देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और आज काफी बड़ा टारगेट मिला है इस वाली टीम को। अपना तारुफ आज मैं चाहता हूँ वो खुद कराएं क्योंकि लाइट की वजह से तो बंद नहीं हो रहा आगे लाइट का। आज के मैच को आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं शहीन शिनवारी और एस ए की टीम? बैल ये मैच बॉलर है पारिस और सामना करेंगे अता प्रिंस और लेग बाई की सूरत में एक रन मिलेगा। काफ़ी बड़ी मिस फील्डिंग और क्या कहेंगे आप? मैच माशाल्लाह बहुत कांटेदार होने वाला है। जब तक ग्रीस से अता प्रिंस मौजूद हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इंशाल्लाह वो मैच विनर हैं और अभी तक मैच नहीं गया, जब तक वो ग्रीस पे इंशाल्लाह तो मैच के चांसेस। जी बिल्कुल, और अगर यहाँ पर बात की जाए दोनों टीमों के पास बहुत ही अच्छी बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, तो तौहीद उस्ताद के बारे में क्या कहेंगे? आज वो अंपायरिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बेशक, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है और बैट्समैन भी वो माशाल्लाह बहुत ही आला है इसमें और माशाल्लाह जी KPL खेल के आए हैं वो। जी बिल्कुल, और अगर बात की जाए इस टारगेट की, 96 रन से बहुत ही बड़ा टारगेट बनाने में कामयाब रही यहाँ पर एस ए की टीम। और अगर बात की जाए उनके पास एक पांडू ही था जो कि रन्स कर गया जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल सजाने में कामयाब रहे। ये
और यहाँ पर फ्री हिट का जरूर मौका मिलेगा और ये काफी अच्छी बात हुई है अता प्रिंस जैसे बल्लेबाज मौजूद शाहीन शिनवारी के पास। लेकिन अगर इस ओवर में 30 से 36 रन बनते हैं, 30 रन भी बनते हैं, तो फिर ये टोटल फाइटिंग टोटल होगा। तो यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से और हेलो हेलो यार पंचायत बात करें, देखें दोनों टीमें हमारी अपनी शनिवारी के लिए, क्योंकि पहला ओवर काफी अच्छा कर लिया था ऐसे एक ही टीम ने। कमाल और यहां पर अंपायर का यकीनी तौर पर फैसला वाइड और पांच रन, वाइड और पांच रन, काफी मुश्किलात बनाते हुए अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें 30 रन पर पहुंच चुकी है, कितनी बोले थे जवाब दिया 31 रन से।
एक डालो एक बार फिर अच्छी शॉट और यहाँ पर एक और बड़ा नुकसान और यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी ऐसे की टीम ने बेशक इसने रन ज्यादा दे दिए हैं 31 हो चुका है यूनियन फाइव होने वाली है चार ओवर में रह चुके हैं 65 और यहाँ बहुत बड़े इंटरेस्ट होने वाला है मैच में पहले से आ रहा था वो आउट हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है और हमारे साथ आ चुके हैं उमेर की बहुत उम्दा बॉलिंग कर जाते हैं बहुत थोड़ा वन साइड हो जाएगा अच्छी बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छी छोटी बॉलिंग करते हुए उन्हें एक बना है डाला है क्या आया अभी एक सिंगल आया ना और यहाँ पर बड़ी शॉट खेलेगी एक ही रन बनेगा और काफी अच्छी एस ए की जानिब से वापसी और अगर बात करें ऐसे की टीम की तो बहुत ही जबरदस्त नहीं ओवर के बाद एक ही रन मिलेगा और ऊपर जाएगा और एक रन का इजाफा काफी अच्छी अब तक बॉलिंग जारी ऐसे की जानिब से काफी गिरफ्त में डाल दिया है मैच को जैसे कि पूरी तरह ऐसे की जानिब से और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं 6 रन के लिए खेल दिया तो यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर 40 काफी अच्छी बल्लेबाजी जारी शहीन शिनवारी की जानिब से अगर इस ओवर में 45 हो जाते हैं तो गालिबन मैच फाइट जरूर होगा बॉलर भाई अगर बात करें पिछले ओवर में बेशक रन ज्यादा खाए लेकिन दो बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे लेग भाई की सूरत में एक रन का जरूर इजाफा होगा तो बढ़ता हुआ स्कोर 41 41 दिखा देना हूँ मैं दस बार और काफी तवील चेस और 4 रन के लिए खेल दिया तो बढ़ता हुआ स्कोर 45 क्या ही बंद ही क्यों हेलो हेलो तो
तो बढ़ता स्कोर 45 और बाबर भाई से गुजारिश कि अगर आपकी टीम आ चुकी है तो कप्तान से यहां पर कैमरे की तरफ आ जाए। बॉलर है बॉल की अच्छी बॉल अपील लेकिन अंपायर अपनी जगह पर खामोश। मैच पे काफी मजबूत गिरफ्त जमा चुके हैं और तीन ओवर दो बोले काफी मुश्किल से दो चार। शहीद शिनवाई की लेकिन अभी एक मैच बाकी है और यहां पर विकेट लेने में कामयाब। तो बहुत जबरदस्त मैच जारी। अगर बात की जाए बाकी 15 बोलों का खेल बाकी। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये देखना बाकी। अच्छी बॉल एक ही रन पर महदूद रखेंगे फील्डर। काफी अच्छी गिरफ्त जमाए हुए एस ए की टीम बॉलर आए बॉल और यहाँ पर एक और विकेट का नुकसान और यहाँ पर एक और बड़ी विकेट गिरते हुए शहीन शिनवारे की। वेलकम बैक टू कमेंट्री बॉक्स। तो यहाँ पर आपको बताता चलो यहाँ पर ऐसे स्पोर्ट्स की काफी गिरफ्त मजबूत हो चुके हैं इस मैच पर। तो फराज भाई काफी खुशी से निहाल बारिश गए बारिश के इसके बाद एक और मैच आना बाकी। फराज भाई आ गए और इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जियो शिनवारी वर्सेस ऐसे स्पोर्ट्स के दरमियान। शकील आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान है गालबान। दौड़ते हुए हैं इस बार अच्छी गेंद हर एक डॉट बॉल काफी प्रेशराइज होगा हर एक बॉल डॉट क्योंकि मैच से काफी दूर जा चुके हैं शाहीन शिवारी की टीम। 50 रन हो चुके हैं 50 रन चाहिए दो ओवर में सॉरी 50 रन 40 रन हो चुके हैं अभी भी 50 रन सरकार है। 12 बोले 50 रन स्कोर बताएं। 12 बॉलों पे 50 रन रह गए अजीज शाहीन शिवारी को 46 रन हो चुके हैं। चार विकेट के नुकसान उठाना पड़े बहुत ही बड़े बल्लेबाज आता प्रिंस और रहमान पांडे आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। 46 रन हो चुके हैं चार ओवर के खत्म पर अभी भी दो
बारिश इस बार देखना होगा फुल टॉस गेंद अंपायर का इशारा देखना होगा नो बॉल है या नहीं बिल्कुल नहीं अभी भी गलबन नौ छक्के दरकार आठ छक्के दरकार मैच जीतने के लिए 11 गेंदे 8 छक्के कौन लगाएगा भैया ये तो आने वाला ओवर 8 छक्के सामना करेंगे शाकिल इस बार बॉल कट गया समंदर के बीचों छोड़कर पवेलियन में रवा दवा तो गलबन पांचवा नुकसान उठाना पड़ा यहां पर शाहीन शिनवारी की टीम को इसके बाद जो मैच खेला जाएगा ऐसे स्पोर्ट्स वर्सेस जियो शिनवारी के दरमियान अगर ऐसे की टीम आज दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो गलबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और दोनों टीमें देखती रह जाएंगी जियो शिनवारी वर्सेस ऐसे स्पोर्ट्स का दूसरा मैच भी ऐसे स्पोर्ट्स खेलेगी काफी अच्छी बॉलिंग और पांडे जी की बहुत ही अच्छी बैटिंग बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक ऐसे स्पोर्ट्स की जानिब से नए बल्लेबाज कौन नमूदार हैं मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हैं 47 रन हो चुके हैं यहाँ पर पांचवें ओवर का खेल जारी हर एक डॉट बॉल मैच पर बहुत ही ज्यादा असर करेगी क्योंकि अभी भी 10 गेंदे 9 छक्के दरकार सॉरी 8 छक्के दरकार दौड़ते हुए इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन बॉल फील्डर है मौजूद एक ही रन मिलेगा गर्पन हार्ड बॉल की सूरत में खेले थे काफी अच्छा स्टाइलिश प्लेयर तो यहाँ पर सिंगल लेने में कामयाब स्कोर बढ़ता हुआ 48 एक बार फिर सामना करेंगे इस बार अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद शॉट डिलीवरी मैं फोरन उड़े रहे एक बार फिर दौड़ते हुए इस बार ऑफ से काफी बाहर विकेट कीपर बीट हो जाएंगे अंपायर का इशारा देखना होगा डॉट गेंद पाई की सूरत में एक रन मिलेगा बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं 50 पांडे दौड़ते हुए गए रोन द विकेट इस बार फ्लिक कर दिया है पॉइंट लेकर फील्डर मौजूद एक रन बना बहुत ही अच्छी फील्डिंग और दूसरे रन के लिए भी बड़े दूसरे रन भी बाहर साथ मुकम्मल करेंगे बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सामना करेंगे बैट्समैन इस बार अच्छी गेंद लेग बाई की सूरत में एक रन जरूर मिलेगा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी
थोड़ी बल्लेबाजी करते हुए सामना करेंगे। बहुत इंटरेस्ट होने जा रहा है, डॉट हुआ है इस बार। एक और अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, बहुत गुड बॉलिंग पांडो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक जारी ऐसे स्पोर्ट्स की जानिब से। मालवन अपना ये मैच, पहला मैच तो जीत चुकी है, इसके बाद जो दूसरा मैच है अंपायर का इशारा, वाइड गेंद और चार रन मिलेंगे वाइड पे चौका, यानी कि पांच रन मुक्त। हमारा ही मैच है दोबारा, मैं कह रहा हूँ तुम लोग रेस्ट करो, उनका करा दो यार, ये तो हमारा कैप्टन ही है। सामना करेंगे, इस बार खेल दिया है, विकेट भी देंगे, विकेट कीपर दौड़ते हुए जा रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे, देखते रह गए सिर्फ बॉल को, तो बॉल बीच में गिर गया। एक और क्या ड्रॉप, इस बार लॉस्ट बॉल, तो एक रन के साथ इख्तिताम किया यहां पर, सॉरी चार गेंदें थी, अभी लॉस्ट बॉल गाना बाकी। एक और अच्छी गेंद, बॉल यहां पर, ये ऐसे स्पोर्ट्स की टीम ने ये मैच अपने नाम किया, बहुत ही अच्छी। मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि इंशाल्लाह जैसे मैच होगा हाजिर हो गया आज फुल भाई, ये निकालें जरा मैं उधर लगा लूं सारा कुछ, मैं इधर लिया हां, बहुत अच्छा, बहुत 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 निकाल दो, एक मिनट अभी नहीं, अभी नहीं, ये और ले दिखा स्पोर्ट्स वाला ने अपना जीत चुकी है, जितनी तारीफ की जाए कम है इस स्पोर्ट्स की, बहुत अच्छी बैटिंग फिर उसके बाद बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, ये टीम बहुत मिलता हूँ 5 मिनट बाद इंशाल्लाह अगले मैच के साथ साथ। मैं अंपायरों से दरख्वास्त करूंगा कि अगला मैच भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको आज बताता चलो जियो शिनवारी वर्सेस शाहीन शिनवारी रेस्टोरेंट के दरमियान दूसरा मैच आज का सीपीएल का दूसरा मैच। यहाँ पर पहला मैच लूज किया था शाहीन शिनवारी की टीम ने, आज ये दूसरा मैच खेल रही है यहाँ पर जियो शिनवारी के दरमियान। बैट्समैन ने जियो शिनवारी की दोनों सेम नाम सेम शायद नाम था शायद। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, हैट्रिक चांस होगा यहाँ पर, हैट्रिक गोल, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए हैट्रिक गोल। हैट्रिक गोल होगी यहाँ पर, देखना होगा हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं, मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताए। शजीर भाई बैट्समैन नाम खालिद आए हैं बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे खालिद। दौड़ते हुए गए नईम गुल घर के पास, बोल किस बार बहुत ही उमदा गेंदबाजी, तीन गेंदे तीन बोल कर दिए यहाँ पर जियो शिनवारी के, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक नईम गुल। जितनी भी ट्रिप की जाए कम तीन गेंदे तीन विकेटें ले चुके हैं अब तक, जो भी आ रहा है बोल्ड होकर वापस जलता हुआ। जियो शिनवारी की जानिब से अब बाबर भाई खुद आए हैं बैटिंग करने के लिए, देखना होगा बाबर जियो शिनवारी की तरफ से बाबर आए हैं बाबर खान। अब काफी रहमान पानी खुश होंगे क्योंकि तीन आउट हो चुके हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो टीम अभी खेलेगी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बाहर जा सकती है, इसका अच्छी गेंद देख रहा होगा, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया था यहाँ पर बाबर भाई ने खालिद को, सॉरी फाद को। काफी अच्छी एक बार फिर दौड़ हुआ है इस बार, अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक नईम गुल। किसी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं फराहम किया यहां पर, पांच पांच ओवर पर ये मैच मुश्तमिल, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा। इस बार एक और अच्छी डिलीवरी, एक और डॉट गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर, मीडियम ओवर कर
मीडियम ओवर कराते हैं, मीडियम ओवर पहला मीडियम ओवर पहली हैट्रिक मेकर बहुत ही नाइम गुल, किसी भारत का मोहताज नहीं नाइम गुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। सामना करेंगे और ये इस बार एक और अच्छी गेंदबाज, बॉल सीधा विकेट कीपर गया, ऊपर से होता हुआ हार्डमैन पर गया, तो एक रन साहिद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली जियो शिनवारी की जानिब से, सॉरी शिनवारी की जानिब से साहिद दौड़ते हुए गए, देखना होगा का इशारा, वाइड गेंद, बाबर और फर्स्ट काफी अच्छी खेलते हुए क्रिकेट दौड़ते हुए अंपायर के पास से गुजरे बॉल की, इस बार अच्छी गेंद और एक रन के लिए खेल दिया है। अगर सारी टीमें एक एक मैच जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो गलबन वही क्वालिफाई करेगी जिसका रन रेट ज्यादा होगा, वही खेलेगी जो लाला आपने 3,000 खिलाए हुए हैं।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक शहीन शिमारी की जानिब से, बहुत ही नबी दूरी बोलेंगे अब तक करते हुए शहीन शिमारी के बॉलर्स। वो कमाल की गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम। एक बार फिर चार बॉलर हो रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद कराने में कामयाब, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, वो भी लेग बाई की सूरत में। कमाल की गेंदबाजी अब तक जारी शाहीन शिनवारी की जान से। बैट्समैन थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। काफी अच्छी, एक बार फिर इस बार खेल दिया है, बॉल जाएगा आउट ऑफ द ग्राउंड। छह रन के लिए पहला छक्का इस इनिंग का बाबर भाई के बल्ले से निकलता हुआ, ये तूफानी छक्का, जितनी भी तारीफ की जाए कम। दो ओवर 14 रन हो चुके हैं, 3 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर जियो शिनवारी की टीम को। अब देखना होगा कौन से बॉलर आते हैं। नहीं आ रहा ना, वो नेट ही चल रहा है यार, मीडियम कर रहा है, मीडियम कर रहा है। किसने टीम हैट्रिक करी उसका? ये इसका सवाल जरा सुन, ये है ना क्यों वाला। चल रहा है मैच भाई, बॉलर ने नाइम गुल तोड़ते हुए गए, और इस बार खेल दिया है और जाने फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। वो खुला हुआ 20 वाला, कमाल की गेंदबाजी अब तक नईम गुल की जानिब से, हैट्रिक की थी पिछले ओवर में। एक बार फिर हैवी गो दौड़ते हुए गए बैक के पास, हो गई तो बॉल की इस बार अच्छी गेंद, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में, एक और डॉट गेंद काफी अच्छी। व्हाइट गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट गेंद, शाहीन शिनवारी की बॉलिंग लाइन की बात की जाए बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइन है, और जियो शिनवारी की बैट्समैनों की बात की जाए तो किसी बैट्समैन ने खुलकर अब तक बारी नहीं ली, काफी अच्छी गेंद, एक और व्हाइट गेंद, अंपायर का इशारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक। स्कोर बढ़ता हुआ 17, तीसरे ओवर का खेल जारी। नाइम गुल एक बार फिर सामना करेंगे, बाबर तोड़ते हुए गए सेम, इस बार एक और लेग स्टंप से काफी बार, एक और वाइड गेंद, वाइड गेंद एक्स्ट्रा की सूरत में अब रन आते हुए, किसी तरीके से जियो शिनवारी के खाते में रन आने चाहिए, बाई हो लेग बाई हो या नो बॉल हो। एक बार फिर सामना करेंगे बाबर, नहीं तो इस बार क्यों खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बहुत ही तेज गेंदबाज नईम गुल, 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं नईम गुल। सामना करेंगे बाबर, इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बैट्समैन एक बार फिर देखना होगा अंपायर की जानिब, एक रन जरूर मिलेगा भाई का, लेकिन अंपायर अपनी जगह पे खामोश, यानी के भाई की सूरत में एक रन हासिल हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 18,
अभी भी दो गेंद उगाना बाकी तीसरे ओवर की, सॉरी लेग बाई की सूरत में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक जारी, दौड़ते हुए गए, इस बार अच्छी गेंद, खालिद समझ ना सके, डॉट गेंद कराने में कामयाब। उन्नीस रन हो चुके हैं तीन ओवर के अख्ताम पर और तीन विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर जियो शिनवारी के, काफी खामोशी से रन जाते हुए 19 रन 6.33 रन पर एवरेज खेलते हुए खालिद और सॉरी फाद और बाबर, बाबर चार रन बना कर 10 बॉल पर नॉट आउट और फाद 8 रन 6 गेंदों पर बनाकर नॉट आउट। एक बार फिर सामना करेंगे, इस बार फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक जारी, शहीन शिनवारी की जानिब से पहला मैच लूज कर चुकी है, पहला मैच लूज करने के बाद काफी मुश्किलात से दो चार, इस बार खेल दिया है, देखना होगा बॉल दनदनाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए, खूबसूरत कवर ड्राइव। एक बार फिर दौड़ते हुए गए, इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, यही की रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक, स्कोर बढ़ता हुआ 25। बॉलर का नाम दानिश रोन द विकेट गेंद करते हुए अब तक सामना करेंगे बाबर, दौड़ते हुए गए, इस बार एक और अच्छी गेंद, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में, एक और डॉट डिलीवरी। चलो यार, आखिरी ओवर में कम से कम 20 रन बनाने पड़ेंगे जी शनिवारी को।
ये रहमान भाई, रहमान भाई चेंज किए चुके हैं और स्कोर 34 हो चुका है जूशन वारी का और यह एक और विकेट का नुकसान है। शाह बने बैटिंग पे राइट हैंड बैट्समैन जी शिनवारी की तरफ से चार बॉलें हो चुकी है पांचवें ओवर की सामना करेंगे एक और अच्छी गेंद यहाँ पर रन आउट होने का चांस बीट करते हो यहाँ पर पांच ओवर का इख्तिताम और पांच ओवर का इख्तिताम हो चुका है और टारगेट है 34-35 लगेगा तो यहाँ पर का टारगेट दिया है जी शिनवारी ने 35 रन बनाने होंगे अगर मैच जीतना है तो 35 रन बनाने होंगे जियो शिनवारी को सॉरी शाहीन शिनवारी को जियो शिनवारी की पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो चुकी है जैसे ही दूसरी इनिंग शुरू होगी उस वक्त हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज गुड बाय
पहली गेंद पर ड्राइव करके एक्स्ट्रा कवर की सूरत में अंपायर का इशारा नो गेंद नो बॉल, यानी कि दो रन मिलेंगे, एक मुक्ता शकील भाई को एक रन जरूर मिलेगा। शकील और वाह वकार, पहली बॉल नो बॉल, फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी वकाब, वकाब तू अभी नहीं, वकाब सामना करेंगे। शाहजेब दौड़ते हुए गए, इस बार खेल दिया है बॉल, विड विकेट पर गई, एक रन बना और दूसरे रन के लिए उड़े, लेकिन बना गया, एक ही रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। तीन रन हो चुके हैं, पहले ओवर का खेल जारी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए दौड़ते हुए गए, खेल दिया है लेकिन चौका मिलेगा यहां पर शकील भाई को, शकील खान, यानी कि काफी अच्छी बैटिंग करते हुए सात रन हो चुके हैं, 37 रन का टारगेट, 37 रन चाहिए। कमाल की गेंदबाजी अब तक जारी, अब तक कोई छक्का नहीं लगा, दो बॉल सामना करेंगे शाहजेब का, बॉल बॉल किया था विकेट कीपर गोविंद चकमा, एक रन जरूर मिलेगा, 36 रन का टारगेट है, एक ही रन मिलेगा, काफी अच्छी बैटिंग जारी, आठ रन हो चुके हैं, आठ रन अभी भी, तीन बोले गए अभी तक शाहजेब सरकार है, औकात सामना करेंगे शाहजेब का, दूसरे रन के लिए मुड़े लेकिन मना किया यहाँ पर वकाब ने, नौ रन हो चुके हैं, चार बोले शाहजेब कर चुके हैं समर की, पहला ओवर चल रहा है अभी, 36 रन का टारगेट दिया है जीव शनवारी ने शाहीन शनवारी को, काफी अच्छा। सलाहुद्दीन इधर भी देख लीजिए, सलाहुद्दीन सामना करेंगे बॉलर, सलाहुद्दीन ने दौड़ना शुरू किया, क्रॉस किया बॉल, इस बार पहला छक्का, पहला छक्का लगाने में कामयाब शाकिल, इस टूर्नामेंट का 5 बॉलों पे 15 रन हो चुके हैं, इस वक्त बहुत ही अच्छी अपडेट है, 21 रन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी को स्कोर में जीत के लिए, एक बार फिर सामना करेंगे, दौड़ते हुए गए अंपायर के पास गुजरे लेकिन अपना रन भूल गए थे, ये बॉल दोबारा डिलीवर करना पड़ेगा, अंपायर का इशारा व्हाइट गेंद, व्हाइट गेंद 17 रन, काफी अच्छी अब तक बल्लेबाजी कही जाए तो गलत ना होगा, शकील और वकाब के दरमियान 17 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदों पर, अब सामना करेंगे आखिरी बॉल करेंगे सलाहुद्दीन, अंपायर क्रॉस किया बॉल की, इस बार खेल दिया है पहला शॉट, एक ही रन बन पाएगा, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरे रन के लिए भी जल्दी करना पड़ेगी, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक ओवर के स्कोर पे शकील और वकाब की तनवारी का, एक ओवर 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक जैसे ये खेल रहे हैं, दो ओवर में ये टारगेट चेस करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 17 रन दरकार,
शकील ने 6 रन के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 6 रन के लिए खेल दिया शकील ने। बॉलर ने बढ़ता हुआ स्कोर 25। बॉलर ने फ्री नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट होगी। शाहिद शाहिद भाई आए हैं बॉल करने के लिए और ये वाली बार फ्री हिट बरकरार, इशारा वाइड बॉल और फ्री हिट बरकरार होगी। फ्री हिट बरकरार, स्कोर बढ़ता हुआ 26। मजीद 10 रन रह गए हैं शाहिद शनवारी को जीतने के लिए। एक बार फिर इस बार खेल दिया है मिड विकेट पर, एक ही रन बचा है यहां पे और ये मिस फील्ड का मुजाहरा, एक रन दूसरे ओवर की तरफ दौड़ पड़े। दो रन बनाने का मौका था, 30 रन, सिर्फ और सिर्फ 6 रन सरकार, एक छक्का एक मैक्सिमम दौड़ते हुए गए। इस बार लेकिन यहाँ एक ही रन मौजूद, एक ही रन मिलेगा और सिर्फ 5 रन सरकार होंगे। देखना होगा वकाब इस बॉल पर छक्का लगाकर 6 रन सरकार, देखना होगा यहाँ पर वकाब छक्का लगाकर ये इस इनिंग का खात्मा करते हैं या नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन जरूर मिलेगा, एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों को स्कोर बढ़ता हुआ 31। मजीद एक बाउंड्री दरकार शनवारी को जीतने के लिए, दौड़ते हुए गए शकील, अपनी टीम को मैच जितवाया शकील, यू ब्यूटी। इसी तरह की बल्लेबाजी 8 रन बना के, 8 बॉल 27 रन बनाकर पवेलियन में वापस जाते हुए अब तक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली शकील ने। मैं अकरम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि
लेग बाई की सूरत में एक रन का जरूर इजाफा और लकी रहे यहाँ पर बैट्समैन, काफ़ी लकी रहे। और अगर बात की जाए आज के मैच की तो चार ओवर पर मुश्तमिल है। राउंड का आखिरी मैच है, स्कोर को कर रही होती है, ओवर हो जाए, ओवर का बताएं, स्कोर बताएं, कितना स्कोर आया इस ओवर में। अच्छी शॉट, एक रन के लिए बढ़ता स्कोर 6 हो चुका है, 5 बॉलों का खेल हो चुका है और अब तक काफी अच्छी चार और यकीनी चार रन होंगे, 10 रन यहाँ पर। सुस्त फील्डिंग, काफी सुस्त फील्डिंग का मुजाहरा, ओवर का इख्तिताम 10 रन, स्कोर का इख्तिताम हो चुका है, एक ओवर का 10 रन। जूशन और ये मिस फील्डिंग का जो सिलसिला है वो लम्हा बलम्हा जारी। अगर देखा जाए पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद जो है चौका रुक सकता था लेकिन यहाँ पर बॉलर नेम अदनान है बॉलिंग करने के लिए और देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी कामयाबी लेने में कामयाब रहे अदनान, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। अगर बात की जाए अब तक काफी अच्छी बैटिंग, 10 रन हुए हैं और पिछले मैच में तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी तक अच्छा स्टार्ट 10 रन का, यानी कि गालिबन 40-50 रन अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जियो शिनवारी के लिए, बहुत ही अच्छी टीम। नेक्स्ट बैट्समैन काशिफ आ चुके हैं, बैट्समैन दिफाई अंदाज और हार्ड बॉल स्टाइल, और एक आशिफ भाई काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इनके साथ मैं एक नाइट भी खेल चुका हूँ राजी ग्राउंड में, और अच्छी बैटिंग करते हैं, उस दिन भी गालिबन फाइनल हम ही जीते थे। तो यहाँ पर अगर बॉलें की बात की जाए, तीसरा बॉल हुआ है, तीन बोले अब तक हो चुकी हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए क्योंकि अभी तक कैसा नोट दिया था, रन नहीं, मेरा नोट सही था, ये था मेरा नोट, ये आंटी ने मुझे दिया कसम से, दिखा मुझे, दिखा सिक्का दे, काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी कप्तान, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी एस ए की जानब से। और अगर बात की जाए अब पूरी सिनेरियो की तो अब तक एस ए की टीम काफ़ी भारी, पूरे इस आज के तीनों ग्रुप की टीमों में टॉप तक पहुंच चुकी है और ये दूसरा मैच खेल रही है अपना। और शहीन शिनवारी की बात की जाए तो अब तक उन्होंने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है और 1 हार चुकी है। जियो शनवारी का ये मैच जारी, बढ़ता स्कोर 13, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और दूसरे ओवर की आखिरी बॉल, इससे कुछ भी नहीं बनना। जियो शनवारी को अगर मैच जीतना है और टूर्नामेंट में रहना है तो यकीनी तौर पर ये मैच जीतना होगा, अदरवाइज जियो शनवारी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अच्छी बॉल, 2 ओवर का खत्म हो चुका है और जियो शिनवारी का स्कोर है 13 रन। जी बिल्कुल, 13 रन बन चुके हैं 2 ओवर के खत्म पर। अगर ये मैच हारती है जियो शिनवारी तो यकीनन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, बाहर ही अंकल इसके बाद तो हां हो जाएगी, लेकिन भाव तो वो भी होना चाहिए यार। नहीं नहीं, उसका मैच इसके बाद आपसे करवाएंगे जो हारेगी वो भाई। भाई 2 मैच सीधा जीते हुए हम लोग, तीन टीमें 2 मैच जीत गए, सीधा सेमीफाइनल करा लिया।
अगर मैं जीतना है 13 रन हो चुके हैं जोशी तिवारी का 2 ओवर में। आखिरी ओवर करने के लिए हैं पांडू उमेर पांडू उमेर भाई आए बॉल की अच्छी उमेर काफी अच्छी गेंदबाजी और जियो शिनवारी बहुत ही अच्छी टीम और ये शौक में खेल रही है और इनको काबिले दीद शॉट के लिए एक रन बन पाएगा यहाँ पे खालिद की तरफ से होटल की टीम उतार काशिफ भाई की तरफ से सबसे बड़ी जीत है जियो शिनवारी की क्योंकि वो आए हैं शौक के लिए और एक इवेंट खेलने आए हैं यादगार होती है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है बाबर भाई को अच्छी बॉल अच्छी बॉल अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जारी एस ए की जानिब से बहुत ही बड़ी टीम बन के सामने आई जैसा कि मैं समझ रहा था कि शेन शिनवारी इनसे काफ़ी बड़ी टीम लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका करेंगे शायद बॉल की अंपायर का इशारा करना पड़ेगा वाइट बॉल को लेग लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से तो 3 ओवर के स्कोर पे जोशन वारी का स्कोर 17 रन हो चुका है। अंपायर का इशारा देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है देखना ये होगा नॉट आउट आ चुका है गालिबन और ओवर का इख्तिताम 3 ओवर के स्कोर पे जोशन वारी का स्कोर 19 रन हो चुका है। 3 ओवर के उन्नीस रन हो चुके हैं जीव शिनवारी का स्कोर 3 ओवर के अख्ताम पे। उसामा पांडू आए आखिरी ओवर करने एक रन बन पाएगा काशिफ की तरफ से 20 रन हो चुका है स्कोर पांडू को भी ओवर मिल गया तो यानी कि तरक्की हो गई आखिरी ओवर कर रहे हैं यूसुफ पांडू 20 रन पर पहुंच चुकी है जी जियो शिनवारी बहुत ही आला अभी तक आए बॉल की और ये यहां एक रन बन पाएगा शायद की तरफ से लेग बाई की सूरत में एक रन का इजाफा काफी अच्छा बॉल कर रहे हैं पांडू आए बॉल की और ये पहला छक्का काशिफ की तरफ से काशिफ भाई यू ब्यूटी 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 चार बोले हो चुकी हैं और 27 रन बढ़ता हुआ स्कोर 27 गालिबन एक और छक्का जरूर मारना चाहिए और यहां पर एक और बैट्समैन आउट हो जाएंगे तो आखिरी बॉल का आना बाकी काफी अच्छी टीम बना के लाए हैं बाबर भाई और उनको क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ कि अपने लिए और अपने खेलने के लिए अगर कोई टीम बना के आता है
वो अप्रिशिएट के हकदार भाई हैं बैटिंग पे बाबर भाई हैं। मैन ऑफ द मैच तो दिया नहीं तुमने रन का टारगेट दिया है जीव शनवारी ने शाहिद शनवारी को। अगर मैच जीतना है तो कम से कम रन बनाने पर रोकना होगा क्योंकि 28 रन पर टारगेट है। 28 रन का दो ओवर कम से कम दो तीन रन पर निकालने होंगे मैच में वापस आने के लिए। एक बार फिर
थोड़ा बार अच्छी गेंद लेकिन अंपायर तौहीद का इशारा वाइट गेंद एक और दो दिन वाइट ब्लूरी एक्स्ट्रा की सूरत में एक और रन तीन रन बन चुके हैं अभी भी 25 रन दरकार आने वाली बकाया 22 गेंदों पर सामना करेंगे इस बार अच्छी गेंद अपील करते हुए अंपायर का इशारा देखना होगा अंपायर का इशारा कि लेग बाई नॉट आउट अंपायर का इशारा काफी जोरदार अपील थी खालिद की जानिब से लेकिन बहरहाल फिर भी अंपायर मशवरा करते हुए यहाँ पर देखना होगा अंपायर का इशारा काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नुमान और तौहीद देखना होगा तो तौहीद का इशारा जाते हुए अपनी जगह पर अंपायर तौहीद तो लेग बाई लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर की जानिब से काफी अच्छी क्रिकेट जारी द बैंक ऑफ पारासिटी एंड सीपीएल चन्नाब क्रिकेट अकेडमी के जेर तआवुन ये टूर्नामेंट का आगाज मैच नंबर पहला सॉरी तीसरा मैच आज का खेला जा रहा है जियो शिनवारी वर्सेस एसए स्पोर्ट्स के दरमियान शॉट हो गए सलाहुद्दीन इस बार अच्छी गेंद पार जाता हुआ गेंद लेकिन डॉट गेंद बहुत ही अच्छा गेंद बाहर की जानेब चार गेंदें तीन रन दे चुके हैं सलाहुद्दीन काफी अच्छा ओवर जारी अब तक सलाहुद्दीन का बात कीजिए टारगेट की 28 रन का टारगेट अगर मैच जीतना है इस टूर्नामेंट में रहना है तो मैच जीतना लाजमी इस बार क्लिक कर दिया है मिड विकेट की जानेब फील्डर मौजूद एक रन बना और दूसरे रन के लिए भी मुड़े दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल करेंगे शाहजीब और उमर यूसुफ एक बार फिर सामना करेंगे अपना रनर भूल गए थे तो अंपायर का इशारा बैड डिलीवरी इस डिलीवरी को दोबारा डिलीवर करना पड़ेगा सलाहुद्दीन को क्योंकि एक बार फिर दौड़ते हुए गए अंपायर के पास से गुजरे बॉल की इस बार अच्छी गेंद फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन बॉल निकल जाएगा गोली की माने चार रन के लिए ओवर का इख्तिताम बढ़ता स्कोर 9 रन
एक बार इस बार आउट होने का चांस, शुड बी टेकिंग कैच ड्रॉप कर दिया यहां पर, दो ओवर का मैच कैच ड्रॉप किया है, दो ओवर के इख्तिताम, बढ़ता हुआ स्कोर 22 सॉरी चार बॉलिंग चार गेंदे हुई एक मैक्सिमम एक एक और छक्का इस तरह 28 रन मैच मुकम्मल किया यहां पर एस एस स्पोर्ट्स की टीम ने और जियो शिवर की टीम इस टूर्नामेंट से आउट होकर पवेलियन में वापस जाती हुई जो भी आएगा इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई जियो शिवर की टीम देखना होगा एस एस स्पोर्ट्स और शहीद शिवर के दरमियान कामयाबी हासिल की
इधर आ यार भैया भैया यहीं रख देना यार पिछल ले खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री पर फील्डर मौजूद एक ही रन पर इतफा करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी फील्डिंग कमाल की फील्डिंग करती हुई अब तक ऐसे स्पोर्ट्स की टीम अगर शहीन शिनवारी की टीम ये मैच आउट हो जाए दो रन कमाल की अब तक बैटिंग जारी तोड़ते हुए गए बॉलर अशरफ इस बार खेल रहे हैं 21 रन
जाएगा बॉडी लाइन के बाहर छह रन के लिए। भाई किस आया था यार पहले ओवर में, किस आया भाई यहाँ पे सारा आगे पीछे हो जाएगा। मेरी जान यहाँ पे सिस्टम पे, फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आगे पीछे हो जाएगा स्ट्राइक वगैरह का। यार रहमान भाई 21 हैं, दो सिंगल हैं, दो डबल हैं। बार एक और चलो ठीक है ठीक है, रुको दो पे दो सिंगल बने। भैया 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 यार जानी भाई के तो यार भाई 5 लाख की बाउंड्री को क्लियर कर जाएगी, 4 रन मिलेंगे, बहुत ही अच्छी। पूरे हो गए ना 21 है ना, हाँ ना यार उसको बोल 21, उसको गिनवा दिया 21 हो गए भाई, गिनवा दिया आपको 21 हो गए। बोल दे बोल दे भाई, इनके फील्डर को स्कोर गिनवा दिया 21 पहले ओवर में आया है। एक बार फिर सामना करेंगे भाई, यहाँ गिनवा रहे हैं। एक और शॉट आता ब्रिंस का, एक और धुआंधार शॉट, एक और छक्का। अनाउंस कर रहे हैं अनाउंस ओवर के बाद, ओवर के बाद कितनी हुई है, ओवर के बाद अनाउंस कर देना यार अकरम भाई। बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी जारी, ठीक है ठीक है भाई ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी जारी आता ब्रिंस और नबी तारक जी इस बार खेल दिया है फील्डर मौजूद, इस बार एक रन जरूर मिलेगा, एक ही रन पर इतफाक करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बढ़ता स्कोर 39 रन हो चुका है, अभी भी एक गेंद का आना बाकी। आता प्रिंस और नबी तारक विकेट पर मौजूद, सॉरी नवाज तारड, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक दोनों बल्लेबाज। एवरी गो दौड़ते हुए गए और अच्छी गेंद, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। दूसरे ओवर का खेल जारी, दूसरे ओवर का खेल जारी, 40 रन हो चुके हैं, 40 रन हो चुके हैं। कल उधर बार देखना होगा फुल टॉस गेंद। अबे दे अबे तेरी गुस्सा फाइल लगा रहा हूं ना, गिर गई वो ताली में खींच गई, किचन खराब हो गई, टूट गई। और एक और रन लीग मिलेगा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन फुल टॉस गेंद थी, 3 रन मिलेंगे यहां पर बढ़ता स्कोर 43 रन, 2 ओवर के बाद 43 रन था, 43 रन हो चुके हैं। बॉल जाएगा बाएं लेग खड़े फील्डर के पास, 1 रन का मौका था
भरपूर फायदा होता है, स्कोर बढ़ता हुआ 44 अता प्रिंस और नवाज तारड़ एक बार फिर इस बार खेला है, खूबसूरत शॉट है, वन बॉन्स फोर रन, वन बॉन्स फोर रन चौका। टूर्नामेंट फोर्स अब तक 12 लगा चुके हैं आज के, काफी अच्छी गेंद सामना करेंगे अता फ्रेंड्स, 6 बॉल 22 रन बना चुके हैं इस बार, अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, एक रन जरूर मिलेगा लेग बाई की सूरत में, बहुत ही अच्छी अब तक गेंदबाजी। अब सामना करेंगे इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा नो गेंद और 6 रन मिलेंगे, नो गेंद 6 रन मिलेंगे। यहाँ पर 50 रन भी मुकम्मल हुए, बढ़ता स्कोर 56, 7 रन आए इस बॉल पर एक्स्ट्रा की सूरत में। ओमर 3 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच, काफी बड़ा महंगा ओवर करते हुए 22 रन पर एवरेज। इस बार एक और खूबसूरत शॉट, अपॉर्चुनिटी है, देखना होगा आउट हो जाएंगे, फ्री हिट थी, 3 रन बनाने का मौका था, भरपूर फायदा उठाया अता प्रिंस और नवाज तारड़ ने, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए अब तक दोनों बल्लेबाज, 59 रन पर 4 बॉले हुए। एक बार फिर सामना करेंगे, इस बार खूबसूरत शॉट, अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकिंग, लेकिन नया चांस, 6 रन के लिए खेल दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, 3 ओवर का ये मैच, 23 रन पर। एक और चौका, टोटल स्कोर कितना था, टोटल स्कोर कितना है, 69 टोटल स्कोर है, 70 रन बनाने होंगे 3 ओवर में, 70 3 ओवर में 70 रन बनाने हैं ऐसे स्कोर को।
वेलकम बैक, और बहुत ही बड़ा टोटल सजाने में कामयाब रही शहन शिनवारी की टीम प्रिंस। और अगर बात की जाए अब तक ओवरऑल, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की यहां पर शहन शिनवारी की टीम ने। हेलो भाई, तो यहां पर इन द एंड और यहां पर आउट, तो यहां पर पांडे जी आउट हो जाएंगे। बहुत ही बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ी कामयाबी शहीन शिनवारी की टीम को। बॉलर कौन है? नईम गुल नईम गुल, जो कि अच्छी गेंदबाजी की और शॉर्ट पिच बॉल थी, और यहां पर उठा के खेलने की कोशिश। पांडे जी आउट हुए। बैट्समैन नेम पूछे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी कामयाबी लेने में कामयाब रहे, और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। दो आया, दो पे तीन रन्स आ चुके हैं और एक विकेट का नुकसान हो चुका है यहाँ पर एस ए की टीम को। अच्छी शॉट और एक ही रन का मौका। दो रन इस सत्र में मुकम्मल किए। एक रन और एक एक्स्ट्रा की सूरत में आया, तो बढ़ता स्कोर 6। मैच जीतना है तो छक्के और चौके लगाने होंगे, इससे कुछ भी नहीं बनने वाला। एस ए स्पोर्ट्स की टीम अच्छी बॉल। पांच बॉल पर काफी लकी रहे बैट्समैन। स्कोर बताओ। तेरह लास्ट में क्या है? सिंगल है तो और कैसे हो गया यार? तू क्या कर रहा है? क्या सात रन देना, आठ आएंगे ना, सात रन देना अभी। नहीं,
के निशान पे प्यार पांडे की जगह खिलाया ना रहीम पांडे यार वली का पूरा नाम क्या है टॉस करा पांडे की जगह खेला है ना ये पांडे की जगह खेला है ना यहाँ पर आउट ये आउट कौन हुआ ये भाई बैट्समैन है अकबर नॉन स्ट्राइक पे अकबर नॉन स्ट्राइक पे अकबर है कि बल्लेबाजी करने के लिए सामना करेंगे फारिश आउट हुआ फारिश फारिश आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं इस बार एक और अच्छी डिलीवरी एक और दो डिलीवरी सॉरी एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करती हुई शहीन शिनवारी की टीम एक मैच हारी थी गालबन अभी अकबर आए सामना करेंगे इस बार एक और अच्छी डिलीवरी आउट हो गया ना छह रन मिलेंगे यहाँ पर बोले बताए बोले कितने चार गेंदे चार बोले एक बार फिर सामना करेंगे इस बार एक और अच्छी डॉट डिलीवरी पूल क्लियर करना सामना करेंगे इस बार एक और अच्छी डॉट डिलीवरी अब बात कीजिए ऐसे स्पोर्ट्स की तो हल से पानी ऊपर से होता हुआ क्योंकि अभी भी 36 रन पर एवरेज खेलना होगा सामना करेंगे इस बार एक और अच्छी डिलीवरी और सीधा फील्डर के हाथ में ये जो लेकर आए स्कोर बताएं स्कोर मेरे पास है 16 है भाई 16 रन आ गया बे एक ओवर 8 और 54 रन सरकार कौन बनाएगा ये को आ गया बे वाइड डिलीवरी यहाँ पर तौहीद की जानिब से तो काफ़ी सामना करेंगे अकबर जो कि 7 रन बनाकर नॉट आउट 4 गेंदों पर लास्ट ओवर है इस बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक की है शहीन शिनवारी की टीम ने जो भी टीम इस बार एक और डॉट लेकिन अंपायर का इशारा
आउट या देखना होगा आउट बोल्ड हो गया यहाँ पर भाई, खत्म कर दें, काफी स्कोर रह गया। यही क्या बोला भाई, सामना करेंगे दौड़ते हुए, इस बार खेल दिया है फील्डर, दौड़ते हुए जा रहे हैं, आउट हो जाएं, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया, यहां पर कैच ड्रॉप कर दिया शाहजीब का, तीन आउट हुए यार। दूसरा वाला हैंडीकैम का है, नहीं उसके पास है, वो लेके गया, वो लेके गया हाशिम, हाशिम कौन, अलियान, अलियान के पास थोड़ी था भाई, एक बात की एक और अच्छी डिलीवरी, एक और डॉट गेंद, खूबसूरत ऐसे स्पोर्ट्स की टीम हार चुकी है, क्योंकि तीन बोले हैं, सामना करेंगे इस बार, एक और अच्छा शॉट देखना होगा, बावजूद एक ही रन मिलेगा, याद हो गई भाई ने, भाई ने। वो सामना करेंगे इस बार, अच्छी जी पांच चार हो गए, हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया बोल,